वेलकम टू रूपा रंदेस स्मार्ट आर्ट। आ रहे हैं नवरात्रे, बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल। सो इस बार नवरात्रों के व्रत के लिए हम लेकर आए हैं अपनी सबसे पहली रेसिपी। नवरात्रों में हेल्दी और डिफरेंट रेसिपी के लिए आज हम लेकर आए हैं एप्पल हलवा। तो जरूर आपने बनाना है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एप्पल हलवा। एप्पल हलवा या एप्पल पुडिंग, इसके लिए मैंने लिए हैं कुछ एक इंग्रेडिएंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें सबसे पहले मैंने लिए हैं 4 एप्पल हैं जो कि मीडियम साइज के हैं और बढ़िया क्वालिटी के हैं। इसी के साथ है कैश्यू, काजू है, कुछ काजू के टुकड़े, और इसी के साथ 1/4 कप शुगर, और 2 टेबलस्पून हमने लिया है देसी घी, और 1/4 टीस्पून है हमारे पास दालचीनी का पाउडर। और ये सारा हमारा मटेरियल है और अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो एप्पल है इन्हें हमने पीसेस में कट कर लेना है। 4 पीसेस में कट होने के बाद इसमें से सीड्स अलग कर देने हैं, प्रॉपरली अलग करने हैं। अच्छे से पीसेस कट कर लेने के बाद अब हमने इसे ग्रेट करना है। जब आप इसे कद्दूकस करोगे तो ख्याल रहे कि हमने बड़े वाली साइड से करना है, जिससे कि ये थोड़े बड़े साइज में ही रहें और इसका छिलका जो वो अलग उतर जाएगा, उसे निकाल देना है। एप्पल ग्रेट हो चुके हैं और अब हमने जल्दी से इसे कुक करना है, ज़्यादा वेट नहीं करनी, क्योंकि अगर एप्पल इसी तरह से पड़े रह गए तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर जो हमने देसी घी लिया था वो डाल देंगे। याद है आपको कि जो घी है वो 2 टेबलस्पून है। अच्छे से घी के पिघलने की वेट करनी है। घी के गर्म होने के साथ ही इसमें डालने हैं कैश्यू, अभी जो हमने काजू लिए हैं थोड़े से, इन्हें हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है और कलर चेंज नहीं होना चाहिए। काजू को घी में से निकाल लेना है और इसी घी को अभी हमने यूज़ करना है हलवा बनाने के लिए। और जो हमने एप्पल ग्रेट किए थे वो सारे एप्पल हमने इस घी के अंदर डाल देने हैं। अब हमने एप्पल को मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है और कम से कम 10 मिनट का टाइम लगेगा और ये प्रॉपरली पक जाएंगे। एप्पल भुन चुके हैं अच्छे से, अब इसके अंदर हमने डालना है फूड कलर, और मैं यूज़ कर रही हूँ येलो फूड कलर। सैफ्रन कलर है, ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शन है, मर्जी है, अगर आप चाहो तो यूज़ करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। एप्पल अपने आप में वैसे बहुत स्वीट होते हैं, इसलिए हम बहुत कम शुगर डाल रहे हैं, और जो शुगर है वो हमने 1/4 कप ली है, बहुत थोड़ी शुगर है। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई वेट इंक्रीज नहीं होगा, घी भी कम है, बहुत ही बढ़िया बनेगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब बस शुगर के मेल्ट होने तक हमें इसे लो टू मीडियम हीट पर 2 से 3 मिनट तक पकाना पड़ेगा। शुगर मेल्ट हो चुकी है और जो घी है वो भी अलग हो चुका है, मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, और अब हमने इसके अंदर हल्का सा फ्लेवर डालना है। और उसके लिए मैं दालचीनी का पाउडर डाल रही हूँ, इलायची का भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसी के साथ लास्ट वन, ये है ड्राई फ्रूट्स, और इसमें कैश्यू यमी लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी, कोई से भी डाल सकते हैं लेकिन इसका फ्लेवर इसमें बेस्ट रहता है। और बस तैयार हो चला है एप्पल हलवा। हलवा तैयार है और अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे एक बाउल के अंदर सर्व करने के लिए। तैयार है एप्पल का हलवा, बहुत ही इजी रेसिपी थी और बहुत ही यमी एंड डिलीशियस हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।